ऑनलाइन ऑडिशन हिमाचल के दो लड़कियों का चयन ग्लैमर एंड सुपर मॉडल ऑफ इंडिया के लिए हुआ है। गत कुछ दिन पहले ही ऑनलाइन ऑडिशन के बाद सारी राउंड पार कर 108 लड़कियों को पछाड़कर हिमाचल की दो मॉडल्स निधि कांगटा शिमला और साक्षी चंबियाल चंबा सुपर मॉडल्स हिमाचल चुनी गई हैं, जो कि राष्ट्रीय स्तर की हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी। पत्रकार सम्मेलन में सुपर मॉडल्स हिमाचल के आयोजक और निदेशक बेविन अत्री ने बताया कि ग्लैमर एंड सुपर मॉडल्स मुंबई में अगस्त माह में होगा तथा इस स्पर्धा में भाग लेने वाली मॉडल्स को किसी प्रकार का प्रवेश शुल्क नहीं लगेगा तथा उनका सारा खर्च सुपर मॉडल्स द्वारा वहन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन सुपर मॉडल्स को विज्ञापनों में भी काम मिलना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि सुपर मॉडल्स द्वारा सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन भी किया जाएगा तथा नशे के विरुद्ध एक मुहिम के तहत कई स्कूलों में जाकर बच्चों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा। वहीं हिमाचली मॉडल्स साक्षी चंबाल और निधि कांगटा ने कहा कि उन्हें खुशी है कि वे हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने कहा कि हम इसके साथ ही अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का भी बखूबी निर्वहन करेंगी तथा नशे के खिलाफ मुहिम में जोर शोर से भाग लेंगी। इस दौरान गत वर्ष की मिस फोटोजेनिक फेस वैष्णवी चौहान भी उपस्थित रही। पिछले काफी लंबे समय से हमीरपुर शहर चोरी की वारदातों को लेकर सुर्खियों में रहा है। शहर में एक के बाद एक चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया, जिसको लेकर स्थानीय जनता के साथ साथ पुलिस विभाग भी काफी परेशान है। हमीरपुर पुलिस ने चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। एसपी हमीरपुर अर्जित सेन ने स्वयं जिम्मा संभालते हुए घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। साथ ही पंपलेट भी बांटे जा रहे हैं, जिसमें चोरी के साथ साथ एहतियात बरतने के लिए जानकारी दी गई है। हमीरपुर के एसपी अजित सेन के आदेशानुसार पुलिस विभाग की अलग अलग टीमें हमीरपुर शहर के घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रही हैं। ये टीमें लोगों को जहां पर्चे बांट रहे हैं, वहीं चोरियों को रोकने हेतु दिए जाने वाले सुझावों के बारे में भी जनता को अवगत करवा रहे हैं। वहीं इस तरह पुलिस के हर घर में दस्तक दिए जाने पर लोग भी सहयोग दे रहे हैं और इस मुहिम को लोगों द्वारा भी सराहा जा रहा है। इस अभियान को लीड कर रहे सब इंस्पेक्टर पूजा ने जानकारी देते हुए बताया कि वे घर घर जाकर लोगों को चोरियों को रोकने हेतु सुझावों की जानकारी जनता को दे रहे हैं। सब इंस्पेक्टर पूजा का कहना है कि जनता की तरफ से भी हमारे इस अभियान को लेकर अच्छा रिस्पांस आ रहा है और जनता को कई महत्वपूर्ण टिप्स दिए जा रहे हैं ताकि चोरी की घटनाओं को अंजाम नहीं दिया जा सके। हमीरपुर में पड़ रही बेतहाशा गर्मी की वजह से लोग बेहाल हो रहे हैं और गर्मी की वजह से हमीरपुर बाजार सुबह से ही सोने पड़ रहे हैं। आसमान से सूर्यदेव आग उगल रहा है, जिस कारण हर कोई गर्मी से हाय तौबा करता हुआ नजर आ रहा है। हमीरपुर बाजार में आज सुबह से ही गर्मी से निजात पाने के लिए जगह जगह पर ठंडे पानी के छबीले लगाए गए, जहाँ पर ठंडा मीठा पानी पीने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आपको बता दें कि हमीरपुर में पिछले कुछ दिनों से तापमान 40 के पार पहुंच चुका है और गर्म हवाएं चलने से लोगों का घरों से बाहर निकलना भी दूभर बना हुआ है। ऐसे में लोग ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। दारों के सहयोग से
गांधी चौक पर लगाई गई छबील में लोगों ने मीठे पानी का आनंद लिया। दुकानदारों ने बताया कि हमीरपुर में गर्मी ज्यादा होने की वजह से लोगों को राहत प्रदान करने के लिए ठंडे पानी की छबील लगाई गई है ताकि गर्मी से कुछ हद तक निजात मिल सके।